प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बिहार सरकार द्वारा या यू कहें कि बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल से मैथमेटिक्स में निकाला गया है। जिस बच्चे को 2021 में 12 बोर्ड का एग्जाम देना है उसके लिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मॉडल सेट से शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, 1 से 10 तक मैं पिछले क्लास में बता दिया था, और आज हम लोग 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन तो देखिए, कहता है कि y इक्वल टू 2x+3, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 6। ये आपका 4 लाइन है और इस लाइन से आपका चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल बना है। समझ गए, इससे चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल बना है और उसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है, हम लोगों को एरिया निकालना है। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन पढ़कर ऐसा मालूम होता है यह आपका एरिया से है। क्लास 12 में जो हम लोग एरिया पढ़े हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, यही वो एरिया से क्वेश्चन है। तो आइए इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चारों इक्वेशन को लिखिए और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या तरीका है सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस आर, क्या क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x+3 नंबर 1, y इक्वल टू 0 नंबर 2, x इक्वल टू 4 नंबर 3, x इक्वल टू 6 नंबर 4। तो ये जो है ना 4 इक्वेशन आपका दिया हुआ है और इसके मदद से हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज बनाना है। आइए इसको बनाते हैं, तब जाकर एरिया मिलेगा। क्या कीजिएगा उसके लिए, तो इस तरह से ले लीजिए x y x डैश y डैश, ये भाई साहब आपका हो गया 0। समझ गए, वो हो गया 0। जो पहले आसान है उस इक्वेशन को लिखिए, फिर भारी वाले को लिखेंगे। जैसे देखिए y बराबर 0, y बराबर 0 क्या होता है x एक्सिस, y बराबर 0 क्या होता है x एक्सिस, यानी कि ये भाई साहब आपका हो गया y बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिए क्या है x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू रहेगा तो y के पैरेलल लाइन होता है, आप जानते हैं x इक्वल टू रहे तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन, y एक्सिस के समांतर लाइन, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, y एक्सिस के समांतर लाइन, एक बार 4 पे और एक बार 6 पे खींचना है। समझिए, एक बार 4 पे और एक बार 6 पे, तो पहले आप पॉइंट ले लीजिए, 6 बड़ा है तो सपोज ये भाई साहब आपका हो गया 6, इसका आधा 3 यानी कि मोटा मोटी आपका हो गया 4। तो एक आपका ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया आपका x इक्वल टू 4 और एक आपका लाइन हो गया ये, और ये हो गया x इक्वल टू 6। x इक्वल टू 4 आपका हो गया 3 नंबर और ये भाई साहब आपका हो गया 4 नंबर। समझ गए, 3 नंबर और कितना हो गया 4। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जो है 3 इक्वेशन लिखे। यहां पर x बराबर 4 था, इसका मतलब 4 दूरी पर y के समांतर रेखा होगा, x बराबर 6 यानी कि 6 दूरी पर y के समांतर रेखा होगा, और अब आपका अगला है y इक्वल टू 2x+3, y इक्वल टू 2x+3। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस लाइन को खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिए इस प्रकार से कीजिए, हाँ
एक बार x और एक बार y जीरो। जब x जीरो रखिएगा तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3। जब x जीरो रखिएगा तो y इक्वल टू 3 मिल गया, और जब y जीरो रखिएगा तो y जीरो रखिएगा तो कितना, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू हो गया माइनस 3/2, यानी कि x इक्वल टू माइनस 1.5, x इक्वल टू हो गया माइनस 1.5, समझिए x इक्वल टू हो गया माइनस 1.5, x इक्वल टू हो गया माइनस 1.5। और अब इस लाइन को आपको ड्रॉ करना है, इस लाइन को आपको खींचना है। कैसे खींचेगा तो देखिए, जब x जीरो y तीन, जब x जीरो तो y तीन, जब x जीरो तो y तीन, मान लीजिए कि ये वाला आपका पॉइंट है x जीरो y तीन, ठीक, ये पॉइंट है। फिर y जीरो, y जीरो का मतलब x एक्सिस, y जीरो का मतलब x एक्सिस, और x एक्सिस पे आपका पॉइंट है माइनस 1.5, x एक्सिस पे पॉइंट आपका है माइनस 1.5, तो माइनस 1.5 मोटा मोटी यहाँ पर कहीं आपका एक लाइन होगा, इधर कहीं ले लीजिए लाइन माइनस 1.5 और आपका हो गया y जीरो, x माइनस 1.5 और y जीरो हो गया, और इससे मिलाकर आप क्या कीजिए, एक लाइन खींच लीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर लग रहा है, इसको नीचे कर दीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, और यह आपका एक लाइन खींचा गया, और इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 2x प्लस 3, समझ गए, इस लाइन के इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू 2x प्लस 3। प्यारे बच्चों, अब देखिए तो ये चारों इक्वेशन से घिरा हुआ कौन सा क्षेत्र है, चारों इक्वेशन से घिरा हुआ कौन सा क्षेत्र है प्यारे बच्चों, तो चारों इक्वेशन से घिरा हुआ आपका जो है ये वाला पोर्शन, समझ गए, चारों समीकरण से घिरा हुआ ये आपका पोर्शन है जिसका के एरिया निकालना है, समझ गए, जिसका क्या निकालना है, एरिया। और बताइए तो कि अब स्ट्रिप आप कैसे खींचिएगा, जिस एरिया को निकालने के लिए जो स्ट्रिप हम लोग निकालते हैं, खींचते हैं, उस स्ट्रिप को वाई एक्सिस के समांतर खींच दीजिए, ये आपका हो गया स्ट्रिप, ये भाई साहब डी एक्स, और ये आपका क्या हो गया, तो y, और इस प्रकार से आपका रिक्वायर्ड एरिया आर ए, या इसको बोलते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि y dx हो जाएगा, समझ गए, y dx। और ये प्यारे बच्चों y आप जो लिए हैं, y आपका किस लाइन के नीचे है, देख लीजिए y किस लाइन के नीचे है, तो y आपका लाइन एक के नीचे, y जो है ना एक नंबर लाइन के नीचे है, यहाँ पर y1 जरूर दे दीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। और क्या कीजिए, इंटीग्रेशन दे दीजिए, क्योंकि आपको जो है कि इस जगह से लेकर इस जगह तक एरिया निकालना है, और यहाँ पर dx है ना, तो dx रहता है तो x एक्सिस का लिमिट चलता है, और dy रहता है तो y एक्सिस का लिमिट चलता है, तो x एक्सिस का लिमिट चलेगा, x एक्सिस का देखिए लोअर पॉइंट आपका है कितना 4 और अपर पॉइंट आपका है 6, x एक्सिस का लोअर पॉइंट 4 है और अपर पॉइंट आपका है 6। और अब प्यारे बच्चों आपका आराम से आप एरिया निकाल सकते हैं, कितना हो गया, लिमिट हो 4 से 6, और y1 यानी कि एक नंबर समीकरण से आपको y निकालना है, एक नंबर समीकरण से y देखिए तो ऑलरेडी निकला हुआ है, ये आपका हो गया 2x प्लस 3 और dx, कहने का मतलब 2 बाहर, और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 बाहर, और dx का इंटीग्रेशन हो गया x, dx का इंटीग्रेशन आपका हो गया x, और फिर लिमिट 4 टू 6, लिमिट आपका हो गया 4 टू 6, समझ गए, लिमिट आपका हो गया 4 टू 6, ये दो दो कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 3x,
लिमिट 4 to 6। और अब देखिए तो रिक्वायर्ड एरिया आपको क्या मिल गया, पहले अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट आपका है 6, तो कितना हो जाएगा 6² + 3 × 6। और अपर लिमिट के बाद में आपको रखना है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट आपका कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4² + 3 × 4, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर 6×36, 6×18, −4×16, 4×12, यानी कि कितना हो गया, हाँ 8 और 6, 14×4 = 1, 1×2 = 2 और 3 कितना 5, −6×2 = 8, 1×2, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर 14 से 8 गया 6 और 4 से आपका 2 गया 2, स्क्वायर यूनिट या आप लिख सकते हैं वर्ग इकाई, समझ गए। और यही आपका हो गया आंसर, यही आपका हो गया आंसर। प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, समझ गए, 2 नंबर का है। और जैसा मैं देख रहा हूं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे 11 मिनट का टाइम लग गया, तो 11 मिनट का टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा था। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी के अनुसार से बनाइएगा, बहुत लेंदी करके मत बना दीजिएगा, पता चले कि खूब बढ़िया से बनाया था बाबू सुग्गा जैसा बनाया और टाइम ही नहीं बचा अगला क्वेश्चन बनाने के लिए, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए देख लीजिए जो एक्चुअल में लिखे हैं कितना लिखे, थोड़ा सा ही लिखे, इसी से आपका काम चल गया, तो आपको शॉर्ट करके ही बनाना है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कहता है, 10²x + 40² को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, समझिए 10²x + 40² को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि 10²x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, 40² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, हाँ स्क्वायर में किसका होता है इंटीग्रेशन, तो स्क्वायर में sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है। इसीलिए आप पहले 10² को बदल दीजिए sec स्क्वायर में, फिर cosec cot स्क्वायर को बदल दीजिए cosec स्क्वायर में, और तब जाकर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे कीजिएगा देखिए, तो i इक्वल टू हो गया sec²x - 1 + cosec²x - 1 और आपका हो गया dx, यानी कि i बराबर sec²x + cosec²x - 2 × dx। अब बोलिए तो अब आप बताइए कि sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec²x का इंटीग्रेशन होता है 10x, cosec²x का इंटीग्रेशन बोलिए, cosec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cosec²x का इंटीग्रेशन -cotx, समझ गए, sec²x का इंटीग्रेशन 10x, cosec²x का इंटीग्रेशन -cotx, -2 × dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। और प्यारे बच्चों जैसे ही आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाए आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देना है, समझ गए, आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देना है, और इतना 1, 2, 3 लाइन में आपका आंसर आ गया, सफिशियंट है, 2 नंबर के लिए इतना आपका सफिशियंट है। सब 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरे पेज में नहीं बनेगा, कोई क्वेश्चन 3 से 4 लाइन में भी बन जाएगा, जैसे आप देख लीजिए इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है कि मोटा मोटी पूरा बोर्ड लग गया था बनाने में, जबकि इस क्वेश्चन को बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगा, तो ऐसे ही टाइम सेव होता है, समझ गए, कोई थोड़ा बड़ा कोई थोड़ा छोटा ऐसे करके जो है ना हम लोग टाइम सेव करते हैं, इस चीज को विशेष ध्यान में रखना चाहिए।
आइए, जगह है तो लगे हाथ दूसरा क्वेश्चन भी बना लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, I इक्वल टू है x sec स्क्वायर x और इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, समझ गए, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x इंटू sec स्क्वायर x है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो आईलेट का फॉर्मूला लगेगा ना, आईलेट कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आईलेट का ILATE। तो आईलेट में देखें तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानिएगा, I मतलब इनवर्स, इसमें इनवर्स तो है ही नहीं, L का मतलब लॉग, लॉग नहीं है, A का मतलब अलजेब्रा, X वाले को बोलते हैं अलजेब्रा, यानी कि ये भाई साहब फर्स्ट हो गया, ऑब्वियस बात है जो छूट गया वो आपका हो जाएगा सेकेंड, जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा सेकेंड, और फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में पार्ट से बोलिए तो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये आपका फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको बैठाते हैं। क्या हो जाएगा, आई बराबर बोलिए तो फर्स्ट वैसे ही एक्स वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि d बाय dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर जो है ना बड़का इंटीग्रल के लिए एक dx, बड़का इंटीग्रल के लिए एक आपका क्या हो गया, तो एक आपका हो गया dx, ठीक। और देखिए तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो i इक्वल टू x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो ये भाई साहब आपका हो गया 10x माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आपका हो गया 1 और sec स्क्वायर x तो sec स्क्वायर x के इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ये भाई साहब आपका हो गया 10x dx और i इक्वल टू x 10x माइनस 10x dx। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं 10x का इंटीग्रेशन आपका हो जाता माइनस log mod cos x या log mod sec x, समझिए क्या होता है 10x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x या log sec x, दोनों ही होता है, जो आपकी इच्छा वो लिख दीजिए। यदि आप ऊपर वाला लिखते हैं तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा x 10x माइनस है तो प्लस हो जाएगा log mod cos x प्लस c, या यदि आप नीचे वाला लिखना चाहें तो माइनस log mod sec x प्लस c, जैसी आपकी इच्छा, दोनों में दोनों ही सही है, समझ गए, दोनों में आपका बिल्कुल दोनों सही है, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका मूड, आपका जैसा मूड रहे आप अपने मूड के अनुसार से देख दीजिए, देयर इज नो, ठीक है, अभी भी इतना सारा जगह है। तो आइए एक और क्वेश्चन को ट्राई किया जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखें क्या है, I इक्वल टू है इंटीग्रेशन e पे पावर x इंटू साइन x प्लस cos x dx, साइन x प्लस cos x dx, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं, इस तरह से इंटीग्रेशन e पे पावर x fx प्लस f डैश x dx बराबर e पे पावर x fx होता है, इस फॉर्मूला को हम लोग इंटीग्रेशन में पार्ट्स में पढ़े थे, यानी कि e पे पावर x रहे, इसके बाद दो चीज का जोड़ या घटाव रहे, समझिए दो चीज का जोड़ या घटाव रहे, उसमें से यदि किसी एक को
डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आ जाए, एक को डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आ जाए, तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, e पे पावर x तो है ही, समझ गए, e पे पावर x है, साइन x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, cos x, साइन x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, cos x, यानी कि ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, यदि बीच में कहीं आता ना ऐसा केस, जैसे सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसके बीच में आता, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते तो देयर इज नो दिक्कत। लेकिन यहां पर आपका यह क्वेश्चन ही दिया हुआ है, यदि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो एक ही लाइन में बन जाएगा और आप एक ही नंबर के काबिल होइएगा, दो नंबर के काबिल नहीं होइएगा। आपको दो नंबर इसमें चाहिए, आपको डिटेल में बनाना पड़ेगा। तो इसको देखिए कैसे कीजिएगा, तो आप लिखिए I equal to integration e पे पावर x into sin x dx plus e पे पावर x into cos x dx, इतना लिख दिए। उधर वाले को आप कुछ मत करिए, हाँ छेड़खानी मत कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। और दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, गुना है, तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, गुना वाला नियम लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई लेट, समझ गए, आई लेट लिखा हुआ है। आई का मतलब इनवर्स, और देखिए इसमें इनवर्स तो है ही नहीं। एल का मतलब लॉग, इसमें तो लॉग नहीं है। ए का मतलब अलजेब्रा, यानी कि एक्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म, इसमें नहीं है। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री वाला तो टर्म है ना साइन एक्स, यानी कि पहला फंक्शन आपका हो जाएगा साइन और दूसरा क्या हो जाएगा e पे पावर x, पहला साइन दूसरा e पे पावर x। और अब देखिए तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ फर्स्ट इंटू सेकेंड का, इस पे बनाइए, क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसको यूज कीजिए। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये जैसा का तैसा आप लिख दीजिए, ई पे पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ई पे पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। और अब देखिए तो क्या हो गया, आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई पे पावर एक्स, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स, और प्लस e पे पावर x cos x dx, e पे पावर x cos x dx। प्यारे बच्चों, एक माइनस में है एक प्लस में है, कैंसिल हो गया, i बराबर e पे पावर x sin x, और लास्ट में क्या कीजिए, तो लास्ट में आप एक कांस्टेंट को जोड़ दीजिए, समझ गए, एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, और इस प्रकार से आपका हो गया आंसर। और देख लीजिए, हम लोग बोर्ड पे अभी तीन क्वेश्चन बनाए हैं, समझ गए, तीन क्वेश्चन बना है और तीनों बिल्कुल ही एक बोर्ड पे आ गया, और इवन चाहे तो एक क्वेश्चन और भी हो सकता था, लेकिन अब इस पे नहीं बताकर पहले आप इसको नोट कीजिए और फिर जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, समझ गए, दो नंबर के लिए काफी है, आप इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है कि अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स है, इस चीज को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, समझ गए, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स को डी एक्स यानी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और लिमिट लेना है जीरो से पाई बाय टू, लिमिट हम लोगों को लेना है जीरो से पाई बाय टू। प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को विशेष तौर पे आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि इसमें अपने मन से कुछ काम करना होता है, समझ गए, अपने मन से फॉर्मूला पे बैठाने के लिए एक काम करना होता है जिसको आपको याद रखना चाहिए। क्या याद रखिएगा, देखिए, आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू अंडर रूट
इस वन के जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। इस वन के जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और साइन एक्स के जगह पे टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। समझ गए, साइन एक्स के जगह पे लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। इस स्टेप को आप याद रखिएगा, इस स्टेप को याद रखिएगा तभी एक क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, और बहुत आसान भी याद रखना। तो क्या हो गया बोलिए तो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ गए, ए प्लस बी का हो गया होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, रूट और स्क्वायर दोनों खत्म। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, और आपका हो गया डीएक्स, और आपका हो गया डीएक्स। अब देखिए तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक्स के कोफिशिएंट से भाग, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, एक्स के कोफिशिएंट से भाग। एक्स का कोफिशिएंट दोनों ही केस में वन बाय टू था, तो वन बाय टू से भाग दे दिए, और लिमिट आपका है जीरो से पाई बाय टू, लिमिट है जीरो से पाई बाय टू। आई इक्वल टू टू ऊपर चला जाएगा टू साइन एक्स बाय टू प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा माइनस टू कॉस एक्स बाय टू, लिमिट जीरो से पाई बाय टू। पहले अपर लिमिट रखिए, साइन एक्स के जगह पे पाई बाय टू रख दीजिए, जैसे ही आप एक्स के जगह पाई बाय टू रखिएगा ना, तो नीचे ऑलरेडी एक पहले से दो है, तो दो गुना दो चार यानी कि पाई बाय फोर हो जाएगा। जैसे आप x के जगह पाई बाय टू रखिएगा तो नीचे दो है तो दो दुनी चार पाई बाय फोर हो जाएगा, यानी कि साइन पाई बाय फोर माइनस टू कॉस पाई बाय फोर हो जाएगा, और फिर माइनस टू साइन x के जगह पे जीरो रख दीजिए, x के जगह पे जीरो, तो जीरो बाय टू आपका हो गया जीरो, माइनस टू कॉस एक्स के जगह पे जीरो रख दीजिए, तो जीरो बाय टू आपका हो गया जीरो, यानी कि आई बराबर टू साइन पाई बाय फोर होता है वन बाय रूट टू, माइनस टू कॉस पाई बाय फोर होता है वन बाय रूट टू, फिर माइनस टू साइन जीरो जीरो माइनस टू कॉस जीरो आपका होता है वन, कॉस जीरो होता है वन। और इस प्रकार से देखिए ना आपको क्या मिल गया, तो आई इक्वल टू ये भाई साहब कैंसिल हो गया और ये जीरो हो गया ना, दो गुना जीरो जीरो, और यहाँ पे माइनस दो है और यहाँ पर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि आई इक्वल टू आपका क्या हो गया, तो आई इक्वल टू आपका हो गया टू। समझ गए, आई इक्वल टू आपका हो गया टू। होप कि कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी, तो आइए स्पेस है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आई इक्वल टू है इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर टू एक्स बाय साइन स्क्वायर टू एक्स डी एक्स, कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर टू एक्स डी एक्स है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आई बराबर कॉस क्यूब एक्स साइन टू एक्स बराबर होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ गए, साइन टू एक्स बराबर होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और सॉरी और पावर में दो है तो आप पावर में दो दे दीजिए। समझ गए, पावर में दो था तो हम लोग दो पावर दे दिए,
क्या बचा देखिए तो I इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स बाय 2 का पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये दो पावर किससे कैंसिल हो जाएगा, I बराबर 1/4 कांस्टेंट है बाहर, cos x बाय साइन एक्स और 1/sin x dx लिख दीजिए। ऊपर cos x एक बार था तो एक ही बार लिखे, नीचे sin square x था तो दो बार इसको लिख दिए और देखिए तो क्या मिला 1/4 cos by sin आपका हो गया cot x और 1/1 आपका हो गया sin, तो 1/sin आपका कितना हो जाता है cos x, cos x dx, समझिए। तो इस प्रकार से आपको मिल गया cot x into cos x, cot x into cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते हैं, ये आपका होता माइनस कोसेक एक्स, तो क्या होता है प्यारे बच्चों 1/4 माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, यानी कि माइनस कोसेक एक्स 4 प्लस सी, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर, समझिए यही आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो आइए अभी भी आपका जगह बचा हुआ है, हम लोग 17 नंबर सॉल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन 17, तो देखिए क्वेश्चन 17 क्या कहता है, x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई है और इस चीज को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है ना, जब dy by dx लिखे कहीं पे और बोले सॉल्व करें तो इसका मतलब आप समझ लीजिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, हाँ समझ गए किसका एक क्वेश्चन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए क्या कीजिए dx माइनस dy रहने दीजिए, x प्लस y को इधर भाग दे दीजिए, dx प्लस dy और बटे में आपका हो गया x प्लस y, बटे में आपका हो गया x प्लस y। प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d x माइनस y d x प्लस y by x प्लस y, यहां पर d कॉमन ले लिए समझ गए और यहां पर भी d हम लोग क्या किए कॉमन ले लिए और अब देखेंगे आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा और अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई। प्यारे बच्चों कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं आपको बता दूं, इस जगह पर आपका जो है ना डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ये वाला फॉर्मूला लगेगा और यहां पर 1/x का इंटीग्रेशन आपका log mod x ये फॉर्मूला लगेगा, ये dx वाला फॉर्मेट है और ये 1/x वाला फॉर्मेट है, तो dx का इंटीग्रेशन x लेकिन x के जगह पे x माइनस y है तो x माइनस y ले लीजिए और 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, समझ गए log mod x होता है तो log और x के जगह पर है x प्लस वाई तो log mod x प्लस वाई हो गया प्यारे बच्चों और अपने मन से एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए और यही आपका हो गया सॉल्यूशन, यही आपका हो गया सॉल्यूशन, देख लीजिए दो नंबर के लिए सफिशिएंट है, इतना स्टेप काफी है दो नंबर के लिए, तो होप कि आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी तो आप इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है कहता है सॉल्व dy / dx इक्वल टू x माइनस y, सॉल्व करना है, ये सॉल्व करते हैं, याद रहे प्यारे बच्चों यहां पर डिफरेंशिएशन करने के लिए नहीं बोल रहा है, सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो
तो आप समझिएगा कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन न कि डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बोल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आइए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का कई सारा मेथड हम लोग पढ़े हैं। एक पढ़े हैं वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, फिर पढ़े हम लोग होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हम लोग पांच मेथड पढ़े हैं, समझ गए, पांच मेथड हम लोग पढ़े हैं। इस पांच मेथड में से जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कीजिए, लेकिन हाँ सबसे पहला आपका स्टेप होता है dy by dx निकालना, तभी समझ में आता है कि किस फॉर्मेट पे बनेगा, समझ गए, नहीं तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि ये dy by dx तो आपका दिया हुआ ही है, समझ गए, dy by dx आपका दिया हुआ है। तो वेरिएबल सेपरेबल के लिए क्या है कि x और y क्या सेपरेट हो सकता है क्या, यदि आप कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो x माइनस वाई के साथ dx आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सेपरेट नहीं होगा। देखिए ना, इस तरह से क्वेश्चन देखने से लगता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बनेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बनेगा, होमोजेनियस पे इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि होमोजेनियस के लिए ऊपर नीचे बटे वाला फॉर्मेट रहना चाहिए, समझ गए, होमोजेनियस के लिए बटे वाला फॉर्मेट रहना चाहिए जो कि यहाँ पर है नहीं, इसलिए होमोजेनियस के लिए नहीं बनेगा। तो क्या कीजिएगा, सोल्यूशन dy by dx equal to x minus y है, आप जो है dy by dx plus y बराबर x कर दीजिए। और linear differential equation जानते हैं क्या होता है, linear differential equation का format, तो linear differential equation का format होता है dy by dx plus py equal to q, जहां पर pq कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ एक्स होगा, कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ एक्स होगा, और इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है e पे पावर p dx, और सॉल्यूशन हो जाता है y into integrating factor इक्वल टू इंटीग्रेशन q into integrating factor dx प्लस सी, समझ गए, ये जो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला, समझ गए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भाई साहब आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या लिखिएगा यहां पर, ये लिख लीजिए यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर y के बगल में 1 है तो p बराबर 1 हो गया, q बराबर आपका हो गया x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बोलिए तो e पे पावर p dx, e पे पावर 1 dx, e पे पावर x, e पे dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसीलिए dx के इंटीग्रेशन x होता है, इसीलिए इस प्रकार से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e पे पावर x। और अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिखेगा देयरफोर सॉल्यूशन इज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर x निकाले हैं आप, q के जगह पर आपका क्या है, तो q के जगह पर है x, x into e पे पावर x dx plus c, first into second लगा दीजिए, first i इनवर्स नहीं है, l log नहीं है, a अलजेब्रा, आईलेट पे लगा रहे हैं, आईलेट, i इनवर्स नहीं है, l log नहीं है, a अलजेब्रा, अलजेब्रा x वाला है अलजेब्रा, ये first हो गया, ये second, y into e पे पावर x बराबर, अभी थोड़ा देर पहले आपको फॉर्मूला लिखाया था आईलेट का भी और फर्स्ट इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला लगाए थे, वही फॉर्मूला हम लोग अभी यहां पर यूज करेंगे, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स प्लस सी,
y e पे पावर x बराबर x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x, x का डिफरेंशिएशन 1, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e पे पावर x, और y e पे पावर x, x e पे पावर x और e पे पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e पे पावर x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x और प्लस आपका हो गया प्यारे बच्चों c, प्लस आपका हो गया c और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो होप कि कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रही होगी आपको। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, एक्स का मान ज्ञात करें जबकि निम्नांकित सदिश परस्पर लंब है, परस्पर लंब है, क्या है, एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस 2k, एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस 2k, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर है, तो हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। तो x के वैल्यू हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए लेट वेक्टर a इक्वल टू एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k, वेक्टर b इक्वल टू माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस 2k, चूंकि दिया हुआ है कि वेक्टर a वेक्टर b पर लंब है, समझ गए, वेक्टर a वेक्टर b पर लंब है और आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब हो परपेंडिकुलर हो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, समझिए डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो। देयरफोर क्या लिखिएगा, देयरफोर वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना हो जाएगा, जीरो, वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना हो जाएगा, जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि a और b एक दूसरे पर लंब, और a और b का मान लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k और आपका हो गया माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे और प्लस आपका हो गया 2k इक्वल टू जीरो, और डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ एक होता है, समझ गया, दूसरे के साथ जीरो, यानी कि i डॉट i आपका एक हो जाएगा जबकि i डॉट j जीरो हो जाएगा, i डॉट k जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इसी में देखिए तो इसका इसके साथ लीजिएगा तो x इंटू माइनस एक्स बचेगा, i i खत्म, अब i का किसी के साथ मत लीजिएगा क्योंकि उसको जीरो हो जाना है, डॉट प्रोडक्ट i डॉट i एक होता है, j डॉट j एक होता है और k डॉट k एक होता है, और i का दूसरे किसी के साथ j और k के साथ लीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, तो फालतू का स्टेप बढ़ाने से क्या फायदा, जब तो आपको दो नंबर ही मिलने वाला है ना, अब कितनों बड़ा कीजिए दो ही नंबर मिलेगा, फालतू के स्टेप आपको नहीं लिखना है। उसी तरह से इसको इससे गुना कर दीजिए, माइनस थ्री इंटू एक्स और फिर इस भाई को इससे फाइव इंटू के लिए ब्रैकेट दीजिएगा क्योंकि आप वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, डॉट में क्रॉस में आपको दिक्कत हो जाएगी, पांच को दो से गुना कर दीजिए जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो, माइनस से गुना कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, दस एकम दस, पांच दुने दस, पांच से दो गया तीस, ब्रेक हो गया मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, एक्स बाजू में एक्स प्लस फाइव टू कॉमन, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो x माइनस टू और आपका x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो,
x माइनस टू इक्वल टू जीरो, x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, x बराबर टू और x बराबर माइनस फाइव, यानी कि इस प्रकार से हम लोगों को x का दो वैल्यू मिल गया, समझ गए? इस प्रकार से हम लोगों को x का कितना वैल्यू मिला, दो वैल्यू। होप कि प्यारे बच्चों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, आप इसको नोट कीजिए और फिर आज इस सेशन का हम लोग आखिरी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है? नोट कीजिए। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता है कि a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर दिखाना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ये वेक्टर का क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिखाना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एलएचएस लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर आरएचएस को दिखाते हैं। सोल्यूशन LHS बराबर है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का स्क्वायर प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर B का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं A डॉट B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, समझ गए? क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए आप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। और अब देखिए क्या होगा, आप जानते हैं क्या जानते हैं a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, समझ गए? क्या होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। हाँ, n कैप तब आप लीजिएगा जब आप मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे होते हैं, तब आपको n कैप लेना है, नहीं तो n कैप लेने की जरूरत आपको नहीं होती। और ये कितना हो गया, तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा और इसका स्क्वायर। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि a का वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आपका b है, तो आप क्या लिख सकते हैं a b sin थीटा का स्क्वायर a b cos थीटा का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। इसका मतलब कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर RHS। कहने का मतलब क्या हुआ कि LHS इक्वल टू हो गया आपका RHS और हेंस प्रूफ, और इस प्रकार से आपका सिद्ध हो गया। तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको 10 क्वेश्चन बताया, होप कि इस 10 क्वेश्चन में आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं रही होगी। तो इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर अगले सेशन में और जो मैं 10 क्वेश्चन में बता दूंगा, तो शॉर्ट टोटल 30 क्वेश्चन होता है, 30 में 10 में बता चुका हूं, 10 में अभी बताया, और एक सेशन आपका और रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो इस 3 सेशन में आपका शॉर्ट क्वेश्चन खत्म, एक सेशन में मैं लॉन्ग क्वेश्चन को खत्म कर दिया हूं, और फिर आपका 100 ऑब्जेक्टिव है, तो मेरा टारगेट रहेगा 3 या 4 सेशन में मैं सारे ऑब्जेक्टिव को भी आपको बता दूं, ठीक है प्यारे बच्चों? तो आइए आप इंजॉय कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।